सो वेन वेलकम बैक गाइस, फाइनली आ चुका हूं सभी लोगों के लिए एक और नया अपडेट वीडियो, एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल गया। आज की इस वीडियो के अंदर बात करें नेक्स्ट अपना टॉप एंड कौन सा आएगा। अब सभी तो पता है इसके लिए एक से लेकर दो दिन के अंदर न्यू वाला टॉप एंड आने वाला है। सो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा कन्फर्म 200% किस टाइप का टॉप एंड आएगा। पूरा पर आप लोगों को रिवॉर्ड्स का रिव्यू दिखाऊंगा, बताऊंगा 200% कन्फर्म जानकारी। इसके लिए बताऊंगा अपना OV13 अपडेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि OV13 अपडेट के बाद आने वाला न्यू यहाँ पे ईवो बनल, उसका मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुका है किस टाइप का ईवो बनल होने वाला है। न्यू इंक्यूबेटर को लेकर इन्फॉर्मेशन आ चुका है एंड ईवो M10 2.0 को लेकर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुका है, जो कि आप लोगों को OV39 अपडेट के बाद देखो मिलने वाला है। सो किस टाइप का गाइस यहाँ पे होने वाला है एंड मिलिए आप लोग रिवॉर्ड्स बड़ा लुक बड़ा किस टाइप का देखो मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एंड हर बार की तरह बात करें 2 नाइट अपडेट को लेकर एंड इसके अलावा और भी छोटा मोटा आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। सो देखो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड अपडेटिव होने वाली है, बिकॉज वीडियो के अंदर आप लोग को इन्फॉर्मेशन भर भर के एंड काफी सारा इंटरेस्टिंग अपडेट। सो मेक श्योर गाइस आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है। इस वीडियो पर अगर पहली बार है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस आप सबको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को आप लोगों ने फटाक से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन कॉल पर कर रख लेना, ठीक है। छोटा सा काम है गाइस कर लेना भाई, समझ के बाकी चले बिना किसी तरीके करते फाइनली वीडियो को। सो यहाँ पे इस वीडियो के शुरुआत में बात करते हैं मैं सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि अपना होने वाले ईवो बनल को लेकर। आप सभी को इस OV39 अपडेट के बाद काफी ओपी लेवल का ईवो बनल देखने को मिलने वाला है, जिसका आप लोग यहाँ पे फोटो क्लिप देख सकते हो। तो फिलहाल देखोगे यहाँ पे मेरे पास फोटो क्लिप एंड छोटा सा इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल आया है एंड इन फ्यूचर गाइस इसको लेकर और भी गाइस अपडेट्स आएगा एंड बहुत बड़ा वीडियो क्लिप निकल के आएगा, तो गाइस आप लोग को मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पे फोटो के अंदर देख सकते हो किस टाइप का, एंड इससे गाइस आप लोग आइडिया लगा सकते हो भाई किस टाइप का अपना ईवो बनल होगा। बाकी देखो ईवो बनल का यहाँ पे सीरीज ज्यादा चल रहा है, पहले तो गाइस अपना कोबरा बनल आया था, बट अभी भी गाइस काफी सारे बंदे यहाँ पे कोबरा बनने को रिटर्न चाहते हैं, बुया बनने को भी रिटर्न चाहते हैं, लेकिन न्यू ईवो बनने ग्रेना लॉन्च कर रहा है वो भी गाइस आप सभी के लिए काफी अच्छा बात है, ठीक है। देखो आप लोग इन्फॉर्मेशन दी थी कि OV39 अपडेट के बाद ये वाला ईवो बनने यहाँ पे आने वाला है इन फ्यूचर गाइस, यहाँ पे इसका वीडियो क्लिप मेरे पास आएगा तो गाइस आप लोग अपडेट मिल जाएगा इसी चैनल। बाकी जहां तक आप लोग फोटो को भी देख के आइडिया लगा सकते हो कि भाई ईवो बनने काफी ज्यादा यहाँ पे खतरनाक है, ओपी लेवल का आने वाला है, एनिमेशन वगैरह लुक वगैरह काफी ज्यादा ओपी लेवल का होगा। एंड गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये फोटो देख के एंड आप लोग न्यू ईवो बनने निकालना चाहते हो या नहीं, सो मेक श्योर नीचे कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है। अभी क्या चलते हैं नेक्स्ट फिल अपडेट की तरफ, न्यू इंक्यूबेटर कौन सा आएगा उसको लेकर मेरे पास अपडेट है, छोटा सा अपडेट है, ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं है गाइस, बिकॉज देखो फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा लीक आ रहा है, जैसे अपना OV39 का अपडेट करी हुआ था जा रहा है। वीडियो के अंदर गाइस आप लोगों को अपडेट दिया था कि अपना OV39 अपडेट के बाद आने वाला UZ का इंक्यूबेटर है एंड आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कल नाम बताया था कि UZ का इंक्यूबेटर आएगा एंड फाइनली यहाँ पे आज यहाँ पे फोटो क्लिप निकल के आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। सर देखो जैसे जैसे अपना OV अपडेट करीब आ रहा है वैसे वैसे इसका फोटो निकल के आ रहा है, वीडियो क्लिप निकल के भी आएगा, तो इन फ्यूचर गाइस आप लोग को वीडियो क्लिप मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग फोटो में एडजस्ट कर सकते हो आज के टाइम पर एंड करीब गाइस 1 से लेकर 2 डेज के अंदर इसका वीडियो क्लिप निकल के आ जाएगा, किस टाइप का यहाँ पे होगा पूरा पूरा गणेशन का रिव्यू निकल के आ जाएगा, एट्रीब्यूट्स पर क्या होने वाला है वो गाइस आप लोग करीब 1 से लेकर 2 दिन में अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे गाइस मेरे पास यहाँ पे अपडेट आता रहेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। बाकी आप लोग यूजी का यहाँ पे स्किन देख सकते हो, कुछ इस टाइप का आप लोगों को गणेशन देखो मिल जाएगा मिल गया, जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को टोटल 4 गणेशन देखो मिलने वाला है। अभी तो गाइस यहाँ पे फिलहाल 3 ही का रिव्यू निकल गया है, आप लोग फोटो के अंदर देख सकते हो। बाकी आप लोगों को बोलूंगा और थोड़ा वेट कर लो एंड जैसे इसको लेकर मेरे पास और अपडेट आएगा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड कैसे यहाँ पे अपडेट आप लोगों को समझा दिया। बाकी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, न्यू अपना टॉप एंड कौन सा आएगा उसको लेकर क्या होने वाला अपडेट। तो नेक्स्ट टॉप एंड के अंदर गाइस यहाँ पे आने वाला अपना बनी टॉप एंड, जो कि आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का होने वाला है। बाकी देखो कैसे यहाँ पे पूरा 99% कन्फर्म है कि भाई यही वाला टॉप एंड आने वाला, आप लोगों को पूरा सियोरिटी न्यूज दे रहा हूँ एंड इनकेस गाइस ग्रेना अगर अपनी मर्जी से चेंजेस कर देगा तो गाइस वो मेरा गलती नहीं होगा। बाकी मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ कि 99% सियोरिटी है कि ये वाला आप लोगों को टॉप एंड देखो मिलेगा। मेनली टॉप एंड के अंदर क्या क्या रिवॉर्ड्स होगा वो गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूँ। देखो इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा मेनली अपना रिवॉर्ड्स जो है वो गाइस एक ग्लोबल का स्किन होगा, एक आप लोगों को इमोट देखो मिल जाएगा एंड मे बी गाइस यहाँ पे छोटा मोटा रिवॉर्ड भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाउचर्स है एंड प्लस अपना एक टोकन है बनी टोकन, सो मे बी गाइस आप लोगों को छोटा मोटा रिवॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन दो रिवॉर्ड अपना फिक्स है कि अपना जो यहाँ पे इमोट है एंड दूसरा गाइस यहाँ पे अपना ग्लोबल। सिमिलर गाइस यहाँ पे यही सारा रिवॉर्ड होने वाला है अपने नेक्स्ट टॉप इवेंट का। बाकी देखो यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स का प्राइस है वो गाइस मे बी चेंजेस हो सकता है, जैसे कि अपना यहाँ पे हो सकता है 100 डायमंड टॉप अप आप लोगों को मिल जाएगा और इनक्यूबेटर वाउचर्स एंड इसके अलावा टोकन, 300 डायमंड टॉप अप मे बी आप लोगों को मिल सकता है ये वाला इमोट एंड 500 डायमंड टॉप अप आप लोगों को मिल सकता है ग्लू वॉल का स्किन। सो देखो डायमंड्स का इधर उधर हो सकता है कि इतने डायमंड टॉप अप वो मिलेगा, इतने डायमंड टॉप अप ये मिलेगा, डायमंड्स का जो प्राइस है रिवॉर्ड का जो प्राइस है मे बी चेंजेस हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो रिवॉर्ड्स है वो गाइस यही रहने वाला है। सो आप लोगों को बता दिया 99% सॉरी ये वाला टॉप एंड होने वाला है
डेस्कटॉप इवेंट। तो वही जानकारी आप लोग को दे दिया, बाकी आप लोग नीचे कमेंट में बताने कि आप लोगों को कैसा लगा अपना इमोट ग्लू वॉल एंड जो भी रिवॉर्ड्स पड़ा था अपडेट्स पड़ा था मैं आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अब भैया चलते लास्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, टू नाइट अपडेट को लेकर, क्योंकि रात 12 बज गए तो क्या कुछ है गाइस मेनली गाइस आज का टू नाइट अपडेट क्या होने वाला है। सो देखो सॉरी टू से गाइस यहां पे रात 12 बज गए तो वैसे कुछ खास नहीं आने वाला है मेरे पास गाइस। यहां पे मैंने बहुत चेक किया, गेम के अंदर भी चेकआउट किया, लेकिन हाँ यहां पे जो टू नाइट अपडेट है एक्चुअली नहीं। तो मेनली गाइस यहां पे आज वाली वीडियो के अंदर कोई खास टू नाइट अपडेट तो नहीं है, बिकॉज मेरे पास अगर टू नाइट अपडेट होता तो गाइस मैं आप लोगों को बताता, लेकिन नहीं है। सो होप कि आप लोग यहाँ पे जितना भी अपडेट्स बताए वो गाइस आप लोगों को अच्छा लगा एंड आई थिंक आप लोगों को पूरा अपडेट समझ में आ चुका है। फिर भी गाइस अगर आप लोगों का कोई डाउट रह गया उसे मेक श्योर नीचे कमेंट करके पूछ लेना आप लोगों ने, एंड किसी भी टॉपिक बोर्ड चाहिए तो गाइस एक बार कमेंट कर दिया करो, मेरी ओर से आप लोगों को हार्ट एंड रिप्लाई मिल जाता है आप सभी को। बाकी होप कि गाइस आप लोगों को पूरा अपडेट समझ आ चुका है, एंड अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी आप लोगों को यूजफुल रहा हो, सो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, एंड गाइस थोड़ा सा काम कर लेना कि सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरीके का अपडेट सब सबको यहाँ पे मिल जाता है रेगुलरली रात के 8 बजे। ठीक है, तो गाइस आप लोग को अपडेट मिल जाता है। सो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, वीडियो देख के मजा आया है। मैं मिलता हूँ।